बिहारी की। गाइस वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में और यहाँ से मेरे हिसाब से 200 मीटर की दूरी पे है, तो अभी बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे मंदिर में, प्रस्थान करेंगे। गोइंग फॉर बांके बिहारी। और क्या क्या है वहाँ पर बांके बिहारी जी के? वहाँ पर पूरा मंदिर है, तो वो राधा रानी का मंदिर है, फिर उसके बाद कुछ अदर्स प्लान है, फिर वहाँ पर भी विजिट करेंगे, निधिवन, फिर निधिवन में जाएंगे, फिर एक इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर भी जाएंगे, तो इस तरीके से सारे में घूमेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में प्रेम मंदिर भी जाएंगे। निधिवन के अंदर और यहाँ पर यात्रा शुरू हो गई है हमारी, और यहाँ पर हम जानेंगे कि निधिवन में क्या क्या है, क्या और यहाँ पर देखो जो पूरे जयसिंह आ गया, मनीष आ गया, मेरे को बहुत ज्ञान है, जयसिंह सारी बातें बताऊंगा, बस मेरी आवाज बदल जाए। जयसिंह बताएगा निधिवन के बारे में, निधिवन में क्या क्या है। यहाँ पर कुछ 10,500 वृक्ष बताए गए है ना, 16,000 वृक्ष है यहाँ पर, गोपियों के रूप में रहते हैं और दिन भर वो वृक्ष का रूप लेते हैं। और बाकी हमारे जो हैं, बाकी हमारे साथ एक गाइड है, वो बताएंगे इनके बारे में सारी चीजें, तो धीरे धीरे जैसे हमें पता चलेगा वो हम बताते रहेंगे आपको। हाँ, थोड़े से दर्शन गाइड के भी करवाएंगे आपको। देखिए यहाँ से हम लोगों को राउंड में इससे बाकी बिहारी और वृंदावन मेरी प्रेफरेंस, उसके नाम से पूरा वृंदावन, यहीं से ले जाके मंदिरों में गाज मान लिया। आज भी अपने यहाँ लेन में चलेंगे, तो अपना प्रॉफिट का विषय ध्यान रखना, किसी के मुख पे नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। राधे श्याम, राधे श्याम बोल की तरफ, राधे श्याम। सुन रहा है।
भाई अभी दर्शन हो गए हैं लगभग हमारे सारे, तो एक अभी हरिदास जी की समाधि के यहाँ पर है, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने बंशी चोर के दर्शन कर लिए और काफ़ी जगह है यहाँ पर, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है, पर धीरे धीरे मैं दर्शन कर रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, जानकारी मिल रही है। और ये समाधि स्थल है, दिखा देता हूँ। अभी हम दाऊ जी के मंदिर में आ गए हैं और यहाँ पर हम करेंगे दर्शन। अभी प्रसाद ले लिया हमने, अभी ये दाऊ जी का है, मतलब बलराम जो है कृष्ण के बड़े भैया, उनका घर है। आराम से ओ भाई, मजा आ गया। Thank you.